दिसंबर महीने 18 दिन बंद रहेंगे बैंक। जल्दी निपटा लो बैंक नाल जुड़े जरूरी काम। आरबीआई ने बैंक छुट्टियां दी लिस्ट की थी जारी। जी हां, जेकर तुहाडा भी कोई बैंक नाल जुड़िया जरूरी काम है तो उसनु जल्द ही निपटा लो, क्योंकि दिसंबर महीने दे विच 18 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, जिस करके लोकां नु दिक्कतां पेश आउणगियां। पैसियां दे लेन देन तो लेके बैंक नाल जुड़े सारे जरूरी काम 18 दिन नहीं होणगे, क्योंकि 18 दिन बैंकां दे विच छुट्टियां रहणगियां। आरबीआई दे वल्लों बैंक दीआं छुट्टियां नु लेके लिस्ट भी जारी कर दित्ती गई है, जिस दे मुताबिक दिसंबर महीने च बैंकां दीआं 18 दिन छुट्टियां रहणगियां ते 18 दिन दे लई सारे बैंक बंद रहणगे। हालांकि ए वख-वख राज्यां दे मुताबिक बैंक छुट्टियां दा ऐलान है। बैंक छुट्टियां दी सूची जारी कीती गई है, जो असीं तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हां। 1 दिसंबर नूं सूबा स्थापना दिवस दे कारण ईटानगर ते कोहिमा बैंकां च छुट्टी रहेगी। 3 दिसंबर ऐतवार कारण देश भर दे विच सारे बैंक बंद रहणगे। 4 दिसंबर सेंट फ्रांसिस जेवियर त्योहार दे कारण पंजी ते गोवा च बैंक बंद रहणगे। 9 दिसंबर दूजे शनिवार दे कारण पूरे देश दे विच बैंक बंद रहणगे। 10 दिसंबर ऐतवार दे कारण देश भर दे बैंकां च छुट्टी रहेगी। 12 दिसंबर पाटोगन निंग मिंजा संगमा दे कारण शिलोंग दे विच बैंक बंद रहणगे। 13 ते 14 दिसंबर नूं लोसुंग नामसुंग कारण गैंगटॉक दे विच बैंकां दी छुट्टी रहेगी। 17 दिसंबर ऐतवार दे कारण देश भर दे विच बैंक बंद रहणगे। 18 दिसंबर यू सोसो थाम दी बरसी दे कारण शिलोंग दे विच बैंकां दी छुट्टी रहेगी। 19 दिसंबर गोवा मुक्ति दिवस दे कारण पंजी दे विच बैंक बंद रहणगे। 23 दिसंबर चौथे शनिवार नूं भी सारे देश दे विच बैंक नहीं खुलणगे। 24 दिसंबर ऐतवार कारण सारे बैंकां दे विच छुट्टी रहेगी। 25 दिसंबर क्रिसमस कारण देश भर दे विच बैंक बंद रहणगे। 26 दिसंबर क्रिसमस दे जश्नां दे कारण आइजोल कोहिमा शिलोंग दे विच बैंक बंद रहणगे। 27 दिसंबर कोहिमा दे विच बैंक क्रिसमस दे कारण बंद रहणगे। 30 दिसंबर यू क्यांग दे कारण शिलोंग दे विच बैंकां दी छुट्टी रहेगी। 31 दिसंबर ऐतवार दे कारण पूरे देश दे विच बैंक बंद रहणगे। सो वख-वख राज्यां दे मुताबिक आउण वाले त्योहारां दे कारण बैंकां दी छुट्टी रहेगी, जिस करके दिसंबर महीने दे विच 18 दिन तक बैंक बंद रहणगे। हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ऑनलाइन बैंकिंग जारी रहेगी। बैंक बंद होण दी हालत विच यूपीआई ट्रांजैक्शन दा सहारा लिया जा सकदा है ते पैसियां दा लेनदेन हो सकदा है। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी जारी रहेगी ते एटीएम भी चालू रहणगे।